हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं रामटेक, देखते हैं रामटेक में क्या क्या सीन होता है। रामटेक के बारे में आपको जानकारी भी देते रहेंगे, देखते हैं रामटेक में। ओके गाइस, मिलते हैं फिर आगे में। ओके, अभी हम पहुँच गए हैं कामठी। ये है कामठी का जय स्तंभ चौक। अभी हम पहुंच गए कनान और ये आगे में है कनान नदी। दिखा दिए आपको कनान नदी अभी, और जिसके ऊपर हम खड़े हैं, चल रहे हैं, ये कनान नदी का पुल है। आगे में आपको पहाड़ियाँ वगैरह दिख रही होंगी। ये है कनान नदी जो आपको अभी नज़र आ रही है। वैसे पानी बहुत कम हो गया है कनान नदी का, पहले पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता था, अभी पता नहीं क्या हो गया, पानी बहुत कम होते जा रहा है। एक्चुअली कैसा है, अभी डैम बन गया है तो डैम में कैसा पानी सब साच के रखते हैं ना, तो उसकी वजह से पानी अभी थोड़ा कम होते जा रहा है नदियों का, क्योंकि डैम में पानी सब जमा करके रखते हैं जो मुसीबत के वक्त में काम में आ जाए। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरी खेती की ज़मीन है। इधर साइड में पूरी खेती होती है, रोड के दोनों साइड में खेती है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खेती ही खेती है। इधर साइड में ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं। और ये जो झाड़ दिख रहा है आपको, इसमें एक बहुत सुंदर फल लगता है जो छोटा सा होता है और काजू जैसा रहता है, वो खाने में बहुत मीठा होता है ये इस झाड़ का फल। वो जो दिख रहा है आपको पीला पीला, वही वाले फल बहुत अच्छे लगते हैं खाने के लिए, मीठे मीठे लगते हैं। चारों तरफ बस खेती ही खेती, यहाँ पर पूरी खेती ही होती है। अभी हम पहुँचे हैं नगरधन, और ये जो सामने में आपको दिख रहा है ये नगरधन का किला है। चलो अंदर में जाकर देखते हैं क्या है करके। ठीक है गाइस, मिलते हैं नगरधन के किले के अंदर में। ओके, ये है नगरधन का किला बाहर से, अंदर जाकर देखेंगे अभी कैसा है। तो ओके गाइस, अभी अंदर जाएंगे हम थोड़ी देर में। ये है यहाँ का गेट, ये है नगरधन का किला। चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं। ये हम पहुंच गए अंदर में, ये है नगरधन का किला, दिखाते हैं अंदर से आपको।
इधर में क्या है, इधर में देखते हैं, इधर में क्या है, इधर में एक दरवाज़ा है जिसको ताला लगा हुआ है। इधर से एक गेट है, दरवाज़ा है, गली जैसा है, दरवाज़ा भी नहीं है। आइए देखते हैं इधर से। यहाँ पर कुछ नगरधन के बारे में लिखा हुआ है, ऐतिहासिक किला है करके, 2000 साल पुराना है करके, 2000 साल का इतिहास है ये बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, इधर में क्या है, इधर में पायरा है ऊपर जाने के लिए, देखते हैं ऊपर में क्या है। ओहो हो, इधर में बाबा की दरगाह है, छोटी सी मज़ार है, देख सकते हैं। ये एक पर्यटक स्थल भी है जहाँ लोग आते हैं, विज़िट करते हैं घूमने फिरने के लिए। आज संडे का दिन होने के कारण कुछ पर्यटक आए हुए हैं, देख सकते हैं आप, और कुछ बाहर में भी खड़े हुए हैं। ये किले की ऐसी जगह है जहाँ यहाँ पर खड़े होकर सैनिक दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। ये ऐसी जगह है जहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। देख सकते हैं आप, यहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। तो इस जगह पर खड़े होकर सैनिक अपने दुश्मनों पर नज़र रखा करते थे। इधर से भी पूरा शहर नज़र आ रहा है। ये कोई कुआं है शायद, लेकिन अंदर जाने, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर लगा है ताला, आप देख सकते हैं। और अंदर में पानी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा दिख ही रहा है, अंदर में पानी बहुत ज़्यादा है, दिख रहा हूँगा आपको। अंदर में रास्ते भी है कुछ बहुत ज़्यादा। ये दिख रहा है आपको पानी, ये पानी शायद कभी कम होता होगा कि नहीं होता होगा पता नहीं हमको। नगरधन किले का इतिहास कम से कम 2000 साल पुराना इतिहास है। यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है, देख सकते हैं आप। इधर में कुछ बाहर जाने के लिए सीढ़ियाँ है जो बाहर की तरफ रास्ता जाता है। और यहाँ पर नगरधन किले की कुछ तस्वीरें हैं जिसके बारे में बताया गया है, नगरधन किले के बारे में बताया गया है। ये कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप, और ये शायद इतिहास है। ये क्या है, हाँ ये कुछ बताया गया है, घोड़ा, नाने, पैसे और घोड़े के बारे में कुछ बताया गया है। पुराना
पुराने ज़माने की चाकू वाकू की तस्वीरें, उसमें तस्वीरें दिखाई गई है, बांगड़ी चाक और ये क्या है, यहाँ पर आराम करने के लिए बैठने के लिए कुछ पेड़ हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं अच्छे से, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अच्छी जगह है, आप आ सकते हैं, विज़िट दे सकते हैं नगरधन किले में। ये चारों तरफ हमने आपको घूमकर दिखा दिया नगरधन किला। ये कोई झील है छोटी सी, पहुंच गए हैं खिंसी लेक, आप देख सकते हैं खिंसी लेक। यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने फिरने के लिए, बहुत जन आते हैं। यह है खिंसी लेक। यह है खिंसी लेक, यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बोटिंग भी होती है। और सामने में आपको पहाड़ी नज़र आ रही होंगी। और ये हाईवे रोड है, हाईवे रोड के इधर जा रहे हैं, देखते हैं इधर में क्या है। तो कुछ लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और एक बोटिंग हो रही है छोटी सी, देख सकते हैं आप। ये प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। स्विमिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है अभी चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं रामटेक में। ये इधर कोई छोटी सी एक नहर है जो खिंसी लेक से जाती है, खिंसी लेक का ही पानी इस नहर में आता है। अभी हम जा रहे हैं रामटेक मंदिर, अभी पहुंच गए हैं रामटेक और रामटेक मंदिर जा रहे हैं अभी हम, देखते हैं आगे में। ये देख सकते हैं खूबसूरती रोडों की, ज़बरदस्त, चारों तरफ हरियाली हरियाली, आगे जितना देखोगे उतनी हरियाली हरियाली, बहुत ही सुंदर नज़ारा है प्रकृति का ये। आगे में देख सकते हैं पहाड़ी ही पहाड़ी।
यहाँ शायद रोडों का काम चालू है, रोडों का ही काम चालू है यहाँ पर, देख सकते हैं आप मंदिर की तरफ जाने के लिए जो रोड है उसका ही काम चालू है। फाइनली हम पहुंच गए हैं रामटेक के राम मंदिर और जा रहे हैं सीढ़ियों से ऊपर। ये है यहाँ का प्रवेश द्वार, देख सकते हैं आप, ये प्रवेश द्वार है। चलते ऊपर देखते हैं अंदर से। चलो बंदर चने खा रहा है। रामटेक के बंदर चने खाते हैं। ये रामटेक के बंदर एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, खेलते हुए। यहाँ से देख सकते हैं आप प्रकृति का सुंदर नज़ारा। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, पेट भर सकते हैं आप, भूखे पेट आकर भी यहाँ पर कुछ लेकर खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। Thank you.
ये शायद किसी ज़माने में कुआं रहा होगा जहाँ पानी पीते होंगे लोग। लग तो वैसे ही रहा है। अभी शायद इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन ये शायद एक ज़माने में कुआं ही रहा होगा। ये है रामटेक का राम मंदिर, अंदर से दिखा रहे हम आपको। अभी और अंदर में जाएंगे। यह है रामटेक शहर की सबसे ऊंची चोटी। देखो बंदर का आप पहुंच गए रही। अच्छा बंदर क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ तो है ये। रामटेक का पूरा शहर दिखता है, रामटेक पूरा शहर यहाँ से नजर आता है। पर ये क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो है लेकिन।
देखते हैं इधर में क्या है पीछे साइड में, मंदिर के पीछे साइड पीछे वाला भाग है ये। बंदर बहुत धूम करते हैं यहाँ पर, लेकिन बंदर बहुत धूम करते हैं यहाँ पर, परेशान भी बहुत करते हैं। कोई नहीं, फिर भी चलता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो एंड करने का समय आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।